दोस्तों, वैसे तो एलएसी पर विवाद छिड़ते ही चीन ने भारत और भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अपनी सेना के एलएसी के करीब युद्ध अभ्यास और लंबी चौड़ी मिसाइलों के प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन भारतीय सैनिकों को एक इंच भी हिला नहीं पाया। हालांकि अब जब एलएसी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटने के लिए सहमत हो गई हैं, ऐसे में एक बार फिर चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को एक्टिवेट कर दिया है और इस बार चीन ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे प्रोफेसरों को ही मैदान में उतार दिया है। लेकिन आप सबको सबसे ज़्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि ये प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को ही एलएसी पर भारतीय सेना के खिलाफ चीनी सेना की झूठी वीरगाथा के लेक्चर दे रहे हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की राजधानी पेंचिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जिन कानरोंग ने एक लेक्चर के दौरान माइक्रोवेव वेपन के इस्तेमाल का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि इस हथियार की मदद से चीन ने बिना कोई गोली चलाए दो ऐसी चोटियों पर कब्जा कर लिया जिस पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। जिनने कहा, हमने इसे बहुत प्रचारित इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने बहुत खूबसूरत तरीके से इस समस्या का समाधान कर लिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जिनने कहा कि चीनी सैनिकों ने पहाड़ी के नीचे से माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल चोटी के ऊपर बैठे भारतीय सैनिकों पर किया। बता दें, इसकी चपेट में आते ही सैनिकों को भीषण दर्द और टिके रहने में बहुत परेशानी होने लगती है और बंदूक की ही तरह इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत और चीन के बीच वर्ष 1996 में हुई संधि के मुताबिक इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर चीनी एक्सपर्ट की माने तो गलवान में निर्मम हिंसा के बाद भी भारतीय सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ पाने वाली चीनी सेना ने भारतीय जवानों के खिलाफ इस क्रूर हथियार का इस्तेमाल किया और चीनी सैनिकों ने एक भी गोली चलाए बिना भारतीय सैनिकों को दो चोटियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वैसे सच क्या है ये आप और हम भली भांति जानते हैं। तो वहीं एलएसी से ऐसी खबरें आई हैं कि विवाद को ख़त्म करने के लिए भारत और चीन की सेनाएं राजी हो गई हैं और विवादित क्षेत्र फिंगर फोर से फिंगर एट तक के इलाके को नो मैंस लैंड बना दिया जाएगा, जहां किसी भी देश की सेना गश्त नहीं करेगी।